21वीं सदी यानी आधुनिक कंप्यूटर युग। आज लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का दखल न सिर्फ जरूरी हो गया है बल्कि बहुत ही सामान्य सा लगने लगा है। फोटोग्राफी का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। आज एक और डिजिटल कैमरा, पोलराइड फोटोग्राफी और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफी जैसी नई व आधुनिक तकनीकें बाजार में आ गई हैं, वहीं आज भी मौजूद है लकड़ी का ये मिनट कैमरा जो दशकों से रोजी रोटी का जरिया बना है इन तमाम स्ट्रीट फोटोग्राफर्स का। पाकिस्तान सियालकोट में ये काम सीखा था और 2-3 साल वहाँ पर काम किया था। उसके बाद दिल्ली में आ गए, बिरला मंदिर के अंदर शुरू किया, बिरला मंदिर के अंदर 50 साल हो गए। तकनीक के नाम पर यह एक लकड़ी का बॉक्स ही है जिस पर आगे की ओर एक जापानी लेंस लगा है। लेंस के पीछे है शीशे की एक साधारण सी प्लेट जिस पर कैमरे के सामने बैठे व्यक्ति की उल्टी छवि पड़ती है। लेंस के ढक्कन को हटाकर एक बार एक्सपोज करने से प्लेट पर लगे ब्रोमाइड पेपर पर व्यक्ति का नेगेटिव तैयार होता है। इस नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कैमरे के अंदर ही एक ट्रे में रखे डेवलपर की मदद से फोटोग्राफ डेवलप किया जाता है। इस तरह कुछ ही मिनटों में आपका फोटो तैयार। आधुनिकता के इस दौर में भी इस कैमरे से फोटो खिंचवाने वाले कम नहीं हैं। एक तो यहाँ पर जो जिसको जरूरत होती है पासपोर्ट इमीडिएटली, तो पासपोर्ट के लिए जल्दी देनी है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, वो आते हैं। और दूसरा बिरला मंदिर में जो यात्री लोग आते हैं वो मतलब कि हमारे पास ऐसे ऐसे पोज हैं जैसे शंकर जी के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, माता वैष्णो देवी के आगे बनवाते हैं फोटो। इस तरह के कैमरे अब कम रह गए हैं। इन फोटोग्राफर्स की नई नस्ल को इस तकनीक में दिलचस्पी नहीं रही। वो दिन दूर नहीं जब ये कैमरा इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा।